हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक अपने को जो पढ़ना है वो है रिंग काउंटर एंड जॉनसन्स काउंटर। रिंग काउंटर और जॉनसन्स काउंटर, ये दोनों भी काउंटर जो है ये शिप रजिस्टर से ही बिलोंग करते हैं। दे आर बिलोंग टू द शिप रजिस्टर। हालांकि काउंटर के अलग अलग टाइप से सिंक्रोनस बाकी चीजें जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगे, बट ये जो रिंग काउंटर और जॉनसन्स काउंटर है ये दोनों शिप रजिस्टर से ही बिलोंग करते हैं। शिप रजिस्टर से क्यों बिलोंग करते हैं ये आपको आगे जाके ख्याल में इजिली आ जाएगा कि एक शिप रजिस्टर से ही क्यों बिलोंग करते हैं। अभी देखिए, अपने को पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है 4-bit रिंग काउंटर। नाउ रिंग यानी क्या रहता है, कि सर्कुलर मोशन में रहता है। तो सर्कुलर मोशन में देखते हैं क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पे 4-bit बुलाया है तो डेफिनेटली मुझे फ्लिप फ्लॉप कितने लगेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए 4 जेके फ्लिप फ्लॉप मैंने यहाँ पे लगा दिए, J1, K1, J2, K2, J3, K3 एंड J4, K4। अभी ये चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप जो लगा है ये कौन से मोड में है, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस, मैं आपको हर बार ये पूछता हूँ सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस। तो ये फिलहाल सिंक्रोनस मोड में ही है। और क्यों के सिंक्रोनस मोड में, क्यों? क्योंकि सबको क्लॉक पल्स कंबाइन सेम दी है। अभी देखिए कनेक्शन कैसे किए। कनेक्शन ऐसे किए कि पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट को, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट को, तीसरे का आउटपुट चौथे के इनपुट को, पर चौथे का जो आउटपुट है वो वापस से पहले के इनपुट को, आप ऑब्जर्व कीजिए, वापस से पहले के इनपुट को कंबाइन किया है। इसका मतलब इसका कनेक्शन कैसे है, जैसा इसका नाम है रिंग, तो रिंग यानी सर्कुलर मोशन में इसका कनेक्शन है। यानी जो इनपुट इधर से दिया वही आपको थोड़ी देर के बाद वापस ही मिलने वाला है, वापस से द प्रोसेस इज कंटिन्यू, दैट इज कॉल्ड एज अ रिंग काउंटर। ये है स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ रिंग काउंटर ऑफ 4-bit स्ट्रक्चरल डायग्राम। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया कि 3-bit रिंग काउंटर डिजाइन बाय रिंग देखिए फिर लोग, तो क्या गलती नहीं करना। आप बहुत बार गलती करते हो कि 3-bit बोला है तो 3 ही फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना, 4 डिजाइन करना नहीं है। अगर 5-bit बोलाऊंगा तो 5 फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करो, 5 फ्लिप फ्लॉप। जितने नंबर ऑफ बिट का रिंग काउंटर बोला है, जितने नंबर का बिट का जॉनसन काउंटर बोला है, उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप तो यूज करना है, ये बात ख्याल में रखना, ठीक है। अभी देखिए ये रिंग काउंटर बाय रिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। अभी देखते हैं इसको, अगर क्वेश्चन आता है कि डिजाइन बाय यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप तो कैसे। देखिए डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया सेम एज इट इज डी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है कि दो इनपुट है ही नहीं, एक ही इनपुट है, तो एज इट इज डी वन क्यू वन, Q1 का दे दो, D2 को Q2 का दे दो, D3 को Q3 का दे दो, D4 को, और जो आखिरी का आउटपुट है वो वापस से घुमा फिरा के वापस फर्स्ट ले किया, सिंपल। तो ये जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है 4-bit रिंग काउंटर बाय रिंग डी फ्लिप फ्लॉप एकदम सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसके नाम में उसका मीनिंग है रिंग, रिंग मीन सर्कुलर, सर्कुलर मोशन नहीं है, वो फिरता रहेगा, घूमता रहेगा, और वही आपको आउटपुट वही आपको काउंट करेगा बाय रिंग क्लॉक। अभी देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो काम करने के लिए मैंने स्टेट डायग्राम ड्रॉ किया आपके लिए, स्टेट डायग्राम फॉर रिंग काउंटर। तो ये स्टेट डायग्राम में आप देखिए, कंसीडर दिस आर द 4 स्टेप, इसको बोलते हैं चार स्टेट बोलते हो अलग अलग स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4। अभी स्टेट नंबर 1 में देखिए कि 0001 यानी 1 कहां पे, इसको मैं बोलता हूं कैन आई से दैट एलएसबी पोजीशन में, ओके। फिर जैसे सेकंड फ्लिप फ्लॉप की तरफ जाएगा तो ये कहां पे जाएगा, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे। थर्ड स्टेट में जाने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ गया, वन इधर जाने के बाद लास्ट पोजीशन पे आएंगे, वापस से गया तो वापस घुमा फिरा के फोर्थ पे। तो प्रोसेस वॉज कंटिन्यू, और ऐसे ही अपना रिंग काउंटर वर्क होता है। ये स्टेट डायग्राम ड्रॉ करने का रीजन यही था कि आपको ये रिंग काउंटर कैसे वर्क कर रहा है ये स्टेट डायग्राम से आप शो कर सकते हैं। और पेपर में भी आपको अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन 4-bit रिंग काउंटर, आपको स्टेट डायग्राम ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करना है इस हिसाब से, ख्याल में आ गया। देखिए पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, बाद में सेकंड पोजीशन पे आ गया, बाद में थर्ड पे, बाद में फोर्थ पे, वापस से घूम फिर के, क्योंकि अपना डायग्राम ही ऑब्जर्व कीजिए। अभी पहले फर्स्ट पे, बाद में सेकंड पे, बाद में थर्ड पे, बाद में फोर्थ पे, वापस से घूम के वापस। तो इस हिसाब से ये स्टेट डायग्राम काम कर रही है। और उसको डिप्ले आपको क्वेश्चन में आंसर लिखने के लिए आपको इसके साथ ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज सिक्वेंशियल टेबल। सिक्वेंशियल टेबल में क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4। ये Q1, Q2, Q3, Q4 क्या है, तो आउटपुट ऑफ इच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप, Q1 यानी फर्स्ट का आउटपुट, सेकंड का आउटपुट, थर्ड का आउटपुट, फोर्थ का आउटपुट, ठीक है। ये आफ्टर क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स देने के बाद, यानी एक बार क्लॉक पल्स दी, एक बार चेंज हो गया, दूसरी बार क्लॉक पल्स दी, दूसरी बार चेंज हो गया। पहली बार अगर क्लॉक पल्स भी नहीं देते थे तो Q1 पे क्या है, 1, बाकी सब 0। फिर बाद में क्लॉक पल्स दी तो Q1 में कहां पे चला गया, Q2 पे। फिर सेकंड क्लॉक पल्स दी, बाद में चला गया Q3 पे, बाद में वापस से क्लॉक पल्स दी, बाद में चला गया Q4 पे, वापस से क्लॉक पल्स दी, तो वापस से जो Q4 पे था वो वापस से इधर आ गया क्यू, क्योंकि वो घूम फिर के इधर वापस से आने वाला है ऐसे, ठीक है। देखिए फोर्थ क्लॉक पल्स पे, फिर वापस से प्रोसेस अगेन रिपीट, इधर इधर इधर, वापस से घूम फिर के,
यानी अगर सेवन तक दिया, सेवन के बाद अगर एट बोला तो कहां पे आएगा ये, राइट क्यू1 पे, द प्रोसेस डॉट गो ऑन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, द प्रोसेस डॉट कंटिन्यू. इन दिस सिंपल वे दिस रिंग काउंटर विल बी गिवन ओवर. आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है चार मार्क के लिए तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. पहले क्वेश्चन को दो बार पढ़िए, हर बार मैं बताता हूं क्वेश्चन को दो बार पढ़िए. आपको रिंग काउंटर बोला है तो कितने बिट का बोला है और कौन से फ्लिप फ्लॉप से बोला है, जिस फ्लिप फ्लॉप से बुलाऊंगा उससे ड्रॉ करो, 3 बिट का बोला है 4 बिट का बोला है उसके हिसाब से. आपको क्या क्या आना चाहिए उसमें कि उसका कंस्ट्रक्शनल एक्सप्लेनेशन 4 से 5 पॉइंट 5-6 पॉइंट में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल यानी कैसे वर्क हो रहा है, कैसे आउटपुट ट्रांसफर हो रहा है 5-6 पॉइंट में, और उसका इन जनरल डिटेल्स वो, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, वर्किंग डायग्राम, स्टेट डायग्राम और ट्रुथ टेबल, ये चीजें आना चाहिए. तब जाके आपको 7 में से 6-5 मार्क मिलेंगे इजिली और आपको प्रॉपर अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है. ओके, और मैं ये आपको फोर्सफुली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर पे कंफर्म यूनिवर्सिटी पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन तो भी आता ही है, तो उसको छोड़ना मत. 7 मार्क का आपके आपके ये वीडियो 7 मार्क के लिए आपके समझ में. चलिए चलिए नेक्स्ट काउंटर देखते हैं, जॉनसन काउंट, जॉनसन काउंटर, जॉनसन मिथल जॉनसन नहीं, ये जॉनसन काउंटर है. अभी देखिए जॉनसन काउंटर, जॉनसन काउंटर ये ही वापस अच्छे प्रोसेसर में का एक पार्ट, काउंटर का पार्ट है. अभी देखिए यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या चेंजेस है जो पहले गेट में रिंग में नहीं है, इसमें चेंजेस है. ये देखते देखिए रिंग काउंटर भी अपने डी फ्लिप फ्लॉप का बनाया है और ये भी आपके सामने 4 बिट जॉनसन काउंटर है. दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दोनों भी काउंटर इजीली ख्याल में रखेंगे. रिंग फ्लिप में क्या था कि सेम ऐसे ही था, यहाँ पे वैसा था, यहाँ पे वैसा, पर आखिरी में ऑब्जर्व कीजिए आखिरी में कुछ में नया है. यहाँ पे नया क्या है कि रिंग काउंटर में आउटपुट Q4 से लिया जाता था, बट यहाँ पे आउटपुट कहाँ पे लिया है, Q4 बार से लिया है. यानी आउटपुट कैसे लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट लिया है. यहाँ पे आउटपुट कैसे लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री, पहले क्या लेता था वही आउटपुट लेता था, अब क्या लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट लिया है. तो यही चेंजेस है रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर में, इतना ही डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस है. तो ये डिफरेंस अगर आपको ख्याल में आ गया तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं और लिख सकते हैं. अभी देखिए इसका स्टेट डायग्राम भी दिया है, इसके स्टेट डायग्राम में टोटल 8 स्टेट दिए. तो ये कैसे, पहले स्टेट में कहां पे वन LSB पे, जो एक काम ये यहां से शुरू करते, 4 all zeros, फिर 0 के बाद वापस से MSB पे 1, ये बाकी 0, फिर बाद में 1 1, फिर बाद में 1111, फिर बाद में 111, बाद में 111, 011, बाकी 0011, 001. यानी इसमें और इसमें ऑब्जर्व क्या आ रहा कि रिंग काउंटर में 1 शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पे 1 शिफ्ट न होने के जगह पे 1 नंबर ऑफ 1 की स्ट्रिंग फ्लो हो रही एक जगह से. पहले यहाँ पे पहले स्टेट में 1 भी 1 नहीं था, दूसरे में 2 1 आया, तीसरे में 2 1 आया, चौथे में 3 1 आया, पांचवे में 4 1 आया, इधर 3 1 3 2 1 वापस से 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 That is called as Johnson's counter. अभी इसका truth table भी अपने लिख लेते हैं, आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा. देखिए truth table यहाँ पे आपके सामने है. देखिए पहले स्टेट में क्लॉक आफ्टर 0 ऑल आर 0, फिर एक क्लॉक दी, फिर बाद में 1 यहाँ पे आ गया सिंपली, बाकी नहीं था. फिर दूसरे बार क्लॉक दी 2 बार 1, तीसरे बार क्लॉक दी 3 बार 1, चौथे बार क्लॉक दी 4 बार 1. ये वैसा बोल सकते यहाँ पे जितने नंबर क्लॉक है उतने नंबर ऑफ वन आ सकते, ऐसा नहीं है. बट पांचवी बार क्लॉक दिया तो 1 1 चला गया पहला वाला, फिर 2 1 चले गए, फिर 3 1 चले गए, फिर 4 1, फिर 8 में देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ये जो 0 वाली स्टेट थी ना वही आपकी वापस आ गई, 0 वाली स्टेट आपकी पूरी वापस आ गई और फिर वापस से प्रोसेस इज कंटिन्यू. दैट इज कॉल्ड एज सिंपली अ जॉनसन्स काउंटर. इट इज अनदर पार्ट ऑफ अ शिप रजिस्टर, शिप रजिस्टर के पार्ट है, इसको बोलते हैं जॉनसन्स काउंटर. और ये भी आपको क्वेश्चन 6 या 7 मार्क के लिए डेफिनेटली पेपर में पूछते हैं. तो इसमें भी क्या करना, डायग्राम ड्रॉ करना बाइजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लॉप जो भी फ्लॉप बोला है उतने, जितने बिट का बोला है उतने बिट का, फिर उसका स्टेट डायग्राम और ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करना, कंस्ट्रक्शन के 5-6 पॉइंट और एक्सप्लेनेशन के 5-6 पॉइंट, ये पूरा मिला के एक 12 से 13 पॉइंट का क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व करके लिख देना. आपको इसी धीरे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से अच्छा उसको अटेम्प्ट करो.